एक गांव में भंसाली नाम का एक धनवान रहता था। वो बहुत नेक इंसान था। उसके पास जो भी काम करता था वो उसका बड़े अच्छी तरह से ख्याल रखता था। उन्हें अगर कोई मुसीबत होती तो ये उनकी सहायता करता था। उसके पास पांडे नाम का एक बूढ़ा रसोईया काम करता था। छोटू नाम का व्यक्ति पांडे की मदद करता था। भंसाली खाने का बहुत शौकीन था। पांडे जो भी पकाता था भंसाली बड़े चाव से खाता था। वो पांडे की खूब तारीफ करता और उसे खूब पैसे भी देता। ये देखकर छोटू को बहुत जलन होती थी क्योंकि वो ईर्ष्यालु और चोर स्वभाव का व्यक्ति था। छोटू अपने आप से, अरे इस भंसाली को तो बिल्कुल अकल नहीं है, हमेशा पांडे की तारीफ करता रहता है और उसे पैसे देता रहता है। अरे जब तक इसे नहीं भगाऊंगा यहाँ मेरी कोई तारीफ नहीं करेगा, पहले पांडे को यहाँ से भगाना होगा, यूं सोचता था। एक दिन भंसाली ने सभी नौकरों को बुलाया और कहा, ध्यान से सुनो, कल मेरे सारे बिजनेस पार्टनर्स हमारे घर भोजन पर आ रहे हैं, उन्हें एकदम बढ़िया चिकन बिरयानी खिलाना होगा। और हाँ एक खास बात, दावत हमारे घर में नहीं हमारे केले के बाग में होगी। अगर वो नाराज हो गए तो मेरे साथ पार्टनरशिप तोड़ देंगे, फिर नए बिजनेस में वो मेरे साथ पार्टनरशिप नहीं करेंगे, ध्यान रहे। तब पांडे, मालिक आप बिल्कुल चिंता ना करो, उन्हें एकदम बढ़िया हैदराबादी बिरयानी खिलाएंगे और आपके साथ उनका बिजनेस और भी बढ़े ऐसा करेंगे मालिक। अगले दिन केले के बाग में जाने के लिए एक ऑटो भरकर चावल सब्जी मसाले तेल सब एकदम तैयार था। गैस स्टोव और बर्तन के साथ साथ छोटू सामने ऑटो ड्राइवर के साथ बैठा था। दूसरे ऑटो में पांडे बैठा था और पांडे, अरे जल्दी करो बहुत टाइम हो गया है, सबको जाना है, हमें टाइम पर पहुँच कर खाना पकाना है। हाँ चलो चलो जल्दी चलो। यूँ कहते ही सब ऑटो वहाँ से चल पड़े। तब छोटू मन में, अब आया हूँ पहाड़ के नीचे, बिना गैस के वो पांडे खाना बनाएगा कैसे, इसको सबक मैं सिखाता हूँ। यूँ मन में सोचकर ऑटो ड्राइवर से, यूँ भैया मौसम एकदम मस्त है ना, क्यों ना एक छोटे छोटे पेग लगाकर हम चले। यूँ कहते ही ऑटो ड्राइवर लालच में पड़ गया और उसने गाड़ी को वैन शॉप के पास रोका। वहाँ छोटू ने ड्राइवर को बड़े होशियारी से खूब दारू पिलाया। ड्राइवर दारू पीकर वहीं कुर्सी पर बैठ गया। वहाँ केले के बाग में पहुंचकर पांडे ने छोटू को कई बार फोन लगाया। हर बार छोटू यही कहता था, हम आ रहे हैं, हम रास्ते में हैं। तब पांडे बहुत बेचैन हो गया। तभी बंसाली और उसके मेहमान कार में केले के बाग पहुंचे। भंसाली ने पांडे को परेशान देखा तो भंसाली पांडे से, क्यों पांडे तुम परेशान लग रहे हो, सामान सब पहुंच गया ना, खाना टाइम पर बन जाएगा ना, अगर सही टाइम पर खाना नहीं बना तो यहाँ तो मुसीबत हो जाएगी। तब पांडे, सरकार अभी तक छोटों की ऑटो नहीं पहुंची, उसी में खाना बनाने का सारा सामान और गैस सिलेंडर है सरकार। यूँ कही रहा था कि तभी उसकी फोन की घंटी बजी। फोन में छोटू, पांडे जी पता नहीं क्यों ये ऑटो ड्राइवर गश खा कर गिर गया और मैं ऑटो चलाना जानता नहीं तो मैं इसे ले आऊं, और दूसरी गाड़ी मंगवाने के लिए मैं तो ये भी नहीं जानता कि हम कहां हैं, अब क्या करें पांडे जी, कहकर झूठ बोला। ये सुनकर पांडे परेशान हो गया, उसने ये बात भंसाली से कही। तब भंसाली, हे भगवान ये आखिरी वक्त पे क्या हो गया, अब मेरे मेहमानों के सामने मेरा अपमान हो जाएगा, लगता है मेरे उम्मीदों पर पानी फिर गया। यूं परेशान हो रहा था कि तभी पांडे, सरकार आप चिंता बिल्कुल ना करें, आपके मेहमानों को चिकन बिरयानी खिलाने की जिम्मेदारी मेरी है, आप मुझ पर भरोसा करें, आप जाकर मेहमानों के साथ बैठें। उसके बाद उसने नौकरों से कुछ केले के पत्ते कटवाए, फिर उसने केले के पत्तों को बिछाया और उसके ऊपर चिकन बासमती चावल और मसाले वगैरह मिलाकर केले के पत्तों को लपेटकर उनमें गांठ बांधकर उन्हें जलते हुए लकड़ी के ऊपर डाल दिया। वो आग में अच्छी तरह जलने लगा। वो उन पत्तों को ले जाकर मेहमानों के सामने रखा और कहने लगा, सरकार पतीलों में चिकन बिरयानी पकाकर थालियों में परोसना साधारण सी बात है, पर यूं केले के पत्ते में पकाकर केले के पत्ते में ही परोसना पर्यावरण का साथ देना होगा, अगर आप लोगों को ये स्वाद पसंद आए तो हमें बहुत खुशी होगी। उन लोगों ने केले के पत्तों को खोला और उसमें रखे चिकन बिरयानी को खाकर वे सब मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने पांडे की खूब प्रशंसा की। उन सबको खुश देखकर भंसाली ने राहत की सांस ली और बाद में भंसाली ने पांडे को बहुत सारे पैसे दिए और उसे धन्यवाद कहा।